पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर और नगीना से सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह के लिए पीएम मोदी ने अमरोहा में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपने बीते 5 वर्षों में जिस तरह इस चौकीदार का साथ दिया है उसके लिए मैं बहुत विनम्रता के साथ आप सबको शीश झुका कर नमन करता हूँ। बीते कुछ दिनों से मैंने देश के चारों कोनों और हर दिशा का दौरा किया। पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए, आपके विकास के लिए काम करने वाली सरकार के लिए देश भर में जो लहर चल रही है वो आज अमरोहा में भी दिखाई दे रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने आपके इस प्रधान सेवक को वहां का सबसे बड़ा सम्मान जायद मेडल देकर सम्मानित किया है। ये सम्मान मेरा नहीं, आप सबका और खाड़ी देशों में काम कर रहे करोड़ों भारतीयों का है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया के देशों में भारत का डंका बज रहा है। इसका कारण मोदी नहीं है, इसका कारण आप लोग हैं। 2014 में आपने जो वोट दिया उसकी ताकत है, ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार की ताकत है। देश की साख रहे इसके लिए मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। आज आपके सामने शीश झुकाते हुए मुझे इस बात का भी गर्व है कि 5 सालों में मैंने देश का शीश झुकने नहीं दिया। पूरी दुनिया में देश की साख आज जितनी ऊंची है उतनी कभी पहले नहीं रही। कल ही आप इस प्रधान सेवक को संयुक्त अरब अमीरात ने वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल देकर के सम्मानित किया। स्थिति को बदलने के लिए, निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए एक ईमानदार कोशिश की जा रही है। अमरोहा की रिंग रोड हो, बाईपास हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो, गांव की सड़कें हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, हर स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में उनको अपमानित किया गया। एक विशेष वर्ग का होने की वजह से पाकिस्तान में उनका जीवन मुश्किल कर दिया गया। वहां के हालात ने उनका भरोसा तोड़ दिया। वो इतने दुखी हुए कि पाकिस्तान छोड़ करके भारत की शरण में आ गए। लेकिन पाकिस्तान से वापस आने के बाद तब की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ उससे भी ज्यादा बुरा किया। अपनी मृत्यु तक वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में रहे। आज मैं आपको उनके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतिहास के छिपे तथ्यों को जानना और उनसे सबक लेना जरूरी है। ये होना चाहिए कि लोकसभा 2019 का चुनाव आपके द्वारा दिया जाने वाला एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाने वाला वोट होगा। कमल के फूल पर पूरे देश के अंदर दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को दिया जाने वाला वोट होगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री को पद पर पुनः ले जाने वाला वोट होगा। और उस दिन से हम सब आपसे अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज हम सब के बीच में इस क्षेत्र में आए हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। भाइयों बहनों, 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी? बिजली नहीं मिलती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी ले जाने वालों का बैल और भैंसा कब चोरी हो जाए कोई भरोसा नहीं था। लेकिन